दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों तमिल पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं बीएड बनाम बीएसटीसी विवाद पर। दोस्त इसके संदर्भ में एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, देख पा रहे हैं 11 दिसंबर की बड़ी अपडेट। बिल्कुल इस बीएड बनाम बीएसटीसी विवाद पर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही, मीन्स कहा जाए 11 दिसंबर की बड़ी अपडेट हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। लिखा जा रहा है बीएड के लिए खतरे की घंटे। बिल्कुल यह चीजें सोचनीय है कि आखिरकार बीएड के लिए कौन सी खतरे की घंटी है आपके मन में। अगर आप एक बीएड कैंडिडेट होंगे तो जरूर आपके मन में कुछ दुविधाएं उत्पन्न हो रही होंगे कि आखिरकार क्या कुछ कैसे है। देखिए हम आपसे सबसे पहले बताना चाहेंगे कि ना हम बीएड की तरफ से बात कर रहे हैं, ना हम बीएसटीसी या डीएलएड की तरफ से बात कर रहे हैं। जो सही है आप सही को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख पा रहे हैं, लिखा गया है बीटीसी डीएलएड वालों के लिए खुशखबरी। बिल्कुल इसमें क्या कुछ कैसे है, आखिरकार बीटीसी और डीएलएड वालों के लिए किस प्रकार से खुशखबरी है। नीचे उसके आप देख पा रहे हैं कि कोर्ट का रुझान, आखिरकार आपके यहाँ जो कोर्ट केस की डेट पड़ रही है, अगर देखा जाए अभी आपकी जो नेक्स्ट अगली तिथि पड़ी हुई है 14 तारीख की डेट में आपके कोर्ट केस में सुनवाई होनी है बीएड बनाम बीएसटीसी विवाद पर। अगर देखा जाए डेट पे डेट जारी हो रही है, आपका डेट को नहीं हो पाएगा तो अगले डेट को सुनवाई होगी, लेकिन फिर वही डेट आगे के लिए टाल दी जाती है कि बाबू आपके इस कोर्ट केस की सुनवाई अगली तिथि को होगी। अगर देखा जाए सब कुछ ढांचा तैयार कर लिया गया है, सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो फैसला सुनाना है। फिलहाल के लिए यह सारी चीजें कोर्ट के ऊपर निर्भर करती है, बट उससे पहले कोर्ट का रुझान यहां देख पा रहे हैं, आगामी शिक्षक भर्ती से बाहर होगा बीएड, यह भी बिल्कुल सोचनीय है। तो सबसे पहले हम आपको कोर्ट केस अपडेट के बारे में रूबरू कराते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट पर कोर्ट के निकल कर आ रही है। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आपके समक्ष कोर्ट केस अपडेट लगा है, आप देख पा रहे हैं सारी चीजें आपके बीच में दी जा रही हैं। कोर्ट का स्टेटस यहां देखिए आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, लगातार इस पर डेट पे डेट आपके समक्ष दी जा रही है। सारी चीजें आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट लिस्टेड, देखिए यहां लास्ट लिस्टेड ऑन देखिए 14/12/2022 को आपके कोर्ट केस की सुनवाई सीरियल नंबर 52 में होनी है, ठीक है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस के देख रेख में जो है आपके इस कोर्ट केस की सुनवाई होगी। अच्छा उसके नीचे यहाँ देख पा रहे हैं जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जो है जस्टिस सुधांशु ढोलिया के, यानी डबल जजों की पेठ में यह सुनवाई आपकी कराई जाएगी, ठीक है। यहाँ उसके नीचे आप देख पा रहे हैं बेहतरीन तरीके से नज़र आ रहा है 14/12/2022 कंप्यूटर जनरेटेड या जो है लिस्ट आपके समक्ष शेयर की जा रही है। यानी आप समझने का प्रयास करिएगा जो आपकी अगली तिथि दी गई है, ठीक है, जो आपकी अगली तिथि दी गई है 14/12/2022 को इस बीएड बनाम बीएसटीसी विवाद पर सुनवाई होनी है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहां बीएड के लिए खतरे की घंटी। देखिए इन दोनों को आपस में हमको रिलेट करके आपको बताने का प्रयास करते हैं। अगर देखा जाए जो डीएलएड है, बीएड वाले चाह रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हम हों, और डीएलएड वाले चाह रहे हैं कि प्राथमिक से बीएड को बाहर किया जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार इसमें सही क्या है। अगर सही और गलत के फैसले को देखा जाए तो बीएड जो है वह पहले प्राथमिक में शामिल नहीं हो पा रहा था, ठीक है, और बीटीसी डीएलएड हमेशा प्राथमिक में शामिल हो पा रहा था। इस वजह से कहीं ना कहीं कोर्ट का रुझान जो है बीएड के बाहर होने के संकेत की तरफ जरूर है, ठीक है। अच्छा नीचे यहां देखिए लिखा गया है कोर्ट का रुझान। देखिए अगर हम रुझान की आपसे बात करें तो बाबू कोर्ट का रुझान जो है कहीं ना कहीं वो बीएड को बाहर करने के लिए है, इसी वजह से डेट पे डेट आपको दी जा रही है, ठीक है। बीटीसी और डीएलएड जो है वो हमेशा प्राथमिक में शामिल है और शामिल रहेगा, ठीक है, इसे कोई बाहर नहीं कर सकता है। इस वजह से कहीं ना कहीं डीएलएड हमेशा अपने स्थान पर कायम जरूर रहेगा, ठीक है। अच्छा यहां देखिए लिखा गया है आगामी शिक्षक भर्ती से बीएड जो है शामिल होगा या नहीं, यह कहीं ना कहीं कोर्ट के ऊपर छोड़ दीजिए, हम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करते हैं। फिलहाल के लिए आपने सही को समझा, सही क्या है, शामिल हो सकता है कि नहीं हो सकता। वर्तमान समय में तो शामिल हो रहा है, लेकिन अब आगे के लिए कोर्ट के इस अपडेट पर छोड़ दीजिए, जैसा कोर्ट आदेश करता है उसी के अकॉर्डिंग हम सभी को कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।